जिम्मेवार की समझते हो हो जा बीर साइड तो देखो घबरा जाता हर बंदा कह नहीं सकते। कार्तिक तो कार्तिक नूं लियांदा नहीं गया। कार्तिक अपनी मर्जी नाल आ रहा सीगा मैं अपने फादर नूं मिलना। वो कई बारी नहीं साढ़े कोल क्योंकि रेगूलर साढ़े कोल इन्वेस्टिगेशन और रेगूलर साढ़े कोल इंटरोगेशन हो रही थी क्योंकि साढ़े कोल रिमांड बहुत थोड़ा सीगा। वो आंदा सीगा वो बैठ जाता सीगा जो टाइम होंदा सी असीं मिला भी देईदा सीगा। उन्होंने ये सीगा कि मैनूं मेरे फादर नाल मिला दे। आंदा सीगा मिल के चले जांदा सी अपनी मर्जी नाल। फिर जदों आया तां तुहाडी टीम दे नाल ही वो कर गया। सानूं नहीं पता कि तुहाडे इक मुलाजम उसकी गड्डी चला रहे सी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी नाल आया और साडा कार्तिक तो कुछ लेना देना नहीं है साडा। क्योंकि देखो जाबते मुताबिक असीं तां दोषी नूं नाल लेके जाना है। दोषी गया है उन्हें आप रिकवरी कराई है, असीं रिकवरी करा के वापस आ गए हैं। बाद सानूं ये इंसीडेंट पता लगता है कि यह हो गया। अज जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि वह पिस्टल है पोपली जिहड़ी आईएएस ने दस्सिया जा रहा है कि उन्हां दा लाइसेंस ही है जी। तो फिर जिहड़ी इस तों पहला कारतूस रिकवर होने का दावा किया गया वो चंडीगढ़ पुलिस दा कनेक्शन वो चंडीगढ़ पुलिस का मुकदमा है जी। वो तुहानूं अपनी उस केस बारे बाइट दे देंगे। वो भी या बरामदगी तुहाडी दे विच है ना? नहीं बरामदगी साड़ी दे विच है पर असीं यूटी नूं सौंप दित्ता क्योंकि एरिया यूटी दा है ना। मोर ओवर एक होर दस एक होर विजिलेंस की कोई साढ़े फ्लाइंग स्क्वाड तो अलावा दूसरी टीम लगाई गई सी। उन्होंने वो सारी उत्थे सर्च की है। उसकी रिपोर्ट उन्होंने वालों बनी है और जिहड़ा यह आर्म्स एक्ट का परचा होने वाली गल है ये चंडीगढ़ पुलिस है। सर ये दस्सिया जा रहा है कि पूरे परिवार के नाल जिहड़ी टीम उत्थे पहुंची सी जिहड़ा कि विवाह ठीक नहीं सीगा ते जिहड़ा खास तौर पर कार्तिक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਐਡੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਲੈਜਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ रिकवरी करके आए वापसी असी आके थाने पाई है टीम ने विद अक्यूज। उतों साड़ी बकायदा टीम की रवानगी हुई है भी ये अपनी तफ्तीश पूरी करके रिकवरी करने उपरंत टीम है जी वापस अपने थाने चली गई। उन्होंने मैडिकल कराने वास्ते भेजे जी, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੈਕਟਰ 11 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, शायद पता लग गया क्योंकि मैडिकल कराने गए मैंने ये मुलाजम दस रहे थे कि शायद उन्होंने पता लग गया। सर जो वकील है वकील का यह कहना है कि संजय पोपली ने फोन किया। वकील की जी गल है ना जी घर ही सुनो संजय पोपली वकील वकीलों दी गल्लां वकीलों दी गल्लां कोर्ट 'च देखियां जांदियां नहीं वकील जो भी कहणगे नहीं जो सच्चाई है। आई एम वैरी सॉरी जो कुछ होया जो कुछ वो सच्चाई मैं तुहानूं दस दित्ती है। इस तों इलावा थैंक यू वेरी मच।